आपकी पॉकेट भी मार सकते हैं। ट्रेन से आ रहे थे यात्री, कुछ लोग बैठे हुए थे गेट के पास और सफर कर रहे थे वो लोग। तभी शुक्लाकंस के पहले जो पुल था, उस पुल के पास कुछ लोग आए, उसके सर पे एक यात्री बैठा था पावदान पे, उसको सर पे एक डंडा मारा। डंडा मारने के बाद वो गिर पड़ा। उसके बाद उसके मोबाइल वगैरह और कुछ सामान वामान था वो ले करके वो लोग वहाँ से उसको भाग गए। तब तक कुछ लोग चिल्लाए दौड़े लेकिन पकड़ने में नहीं आए, वो लोग निकल चुके थे, गाड़ी चल चुकी थी। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए और छठ के त्यौहार को देखते हुए, चूँकि इस समय यात्रियों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए रात्रि में आउटरों पे गश्त भी बढ़ा दी गई है। प्लेटफार्म पे कुछ सादे में भी लगाए गए हैं और आउटरों पे भी सादे में भी लगाए गए हैं और पूरा निगाह रखा जा रहा है, क्योंकि रेलवे में बाहर से भी अपराधी आते हैं तो उनके भी निगरानी की जा रही है। जो घटनाएँ होती है मैक्सिमम, जैसे देखिएगा आप पनकी गोविंदपुरी के बीच में, फिर गोविंदपुरी से लेकर जूही के बीच में, जूही से झकरकटी के बीच में, फिर ये गंगा पुल का आपका हुआ उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाला, मरे कंपनी पुल हुआ, शांति नगर हुआ, इन जगहों पे पिकेट पर्याप्त लगाई गई है। तो बताइए जो पुराने ग्रुप चल रहे थे, जैसे गंडा मार ग्रुप हो, जो गंगौछा ग्रुप हो, जो भार का ग्रुप हो, ये सब ग्रुप चल रहे थे, उनका क्या हुआ? वो भी अभी लगते हैं कि नहीं? ये जो ग्रुप चल रहे हैं इसमें जो है जो भी मेन मेन थे सबको जेल भेज दिया गया। कुछ नाबालिग भी इसमें शामिल हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। 14 साल 15 साल उम्र है उनकी, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो डंडा मार गैंग है कैसे काम करता है? डंडा मार गैंग करते एक्चुअल में करते क्या है कि अगर कोई पावदान पर बैठा हुआ है और अपना मोबाइल चला रहा है, उसका ध्यान दूसरी तरफ है, तो वो करेंगे कुछ नहीं, नाबालिग बच्चे टाइप के हैं, अपना डंडा से टच कर देते हैं, मोबाइल गिर जाता है और उसको लेके वो भाग जाते हैं।